सुदर्शन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन जो कि थिन स्फेरिकल सेल के ऊपर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो फील्ड का हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन देखा थ्री डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में, एक तो आउटसाइड ऑफ सेल, सरफेस ऑफ द सेल और इन साइड द सेल देखा। ओके, इसके बाद हम फोर्थ एप्लीकेशन देखेंगे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर है, तो क्या सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अभी सॉलिड स्फीयर है तो स्फीयर मेटालिक भी हो सकता है, नॉन मेटालिक भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की बात किया हुआ है तो इसका मतलब है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, और वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है तो यहाँ पे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब हमारा स्फीयर है वो नॉन मेटालिक हो, ओके, इंसुलेटिंग हो। तो ऐसा क्यों, तो देखते हैं यहाँ पे रीजन देखते हैं इसके पीछे का। क्योंकि मेटालिक स्फीयर की बात करें तो मेटालिक स्फीयर में मान लो कि कंडक्टिंग स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन करेंगे कंडक्टिंग, इसलिए वो कंडक्ट करके सरफेस पे चले जाएंगे। तो मतलब में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा इसमें, क्योंकि सरफेस पे ही हो जाएगा, हम उसको वॉल्यूम में रख रहे फिर भी वो क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स की वजह से, कंडक्शन की वजह से वो कहाँ पे चले जाएंगे, डिस्प्लेस होके सरफेस पे चले जाएंगे। तो मतलब में केस कौन सा आएगा, स्फेरिकल सेल वाला ही आएगा, होलो स्फीयर वाला ही आएगा। ओके, तो हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर में कौन सा स्फीयर होगा, मेटालिक या नॉन मेटालिक, तो नॉन मेटालिक होगा, मतलब इंसुलेटिंग स्फीयर होगा, इंसुलेटिंग स्फीयर होगा तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, नॉन कंडक्टिंग, इसलिए जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहीं पे वो रहेंगे। ओके, तो मतलब में यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, तो क्या इंसुलेटिंग स्फीयर का ले रहे हैं। ओके, एक सॉलिड स्फीयर है वो भी कैसा है, इंसुलेटिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। तो देखते हैं यहाँ पे ये अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन मेटालिक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यूनिफॉर्म जिसके पूरे वॉल्यूम में, ओके, क्योंकि होलो नहीं है मास से अंदर तो चार्ज वहां पे प्रेजेंट रहेगा। ओके, पूरा होलो स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो स्फीयर का रेडिएशन कन्वेंशनली जो पहले से लेते आ रहे हैं वो कैपिटल आर ले लेते हैं। ओके, पहले थियरी से लेते आ रहे हैं कैपिटल आर लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम तीन अलग अलग डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हम फील्ड निकाल सकते हैं, तो आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर और इन साइड द स्फीयर, इसे तीन अलग अलग लोकेशन पे हमें फील्ड निकालना है। तो जहां पे भी फील्ड निकालना होता है वहां पे क्या करते हैं, हमें इमेजनरी सर्फेस, क्लोज सर्फेस इमेजिंग करते हैं सर। तो ये जो क्लोज सर्फेस इसको क्या बोलेंगे, गाउसियन सर्फेस, क्योंकि ये अपना गाउसियन सर्फेस है। ओके, ये अपना ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आर, ये पॉइंट ले लेते हैं पी वन, ये पॉइंट ले लेते हैं इन साइड वाला पी टू, और ये पी है सरफेस वाला, ये इन साइड में से थ्री अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हमें फील्ड निकालना है। तो फर्स्ट केस लेते हैं, केस वन, पहले तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में हुआ लेते हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में हुआ, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी, तो चार्ज डेंसिटी आएगी यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी, तो क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे रो से, तो वो क्या होता है, तो क्यू बाय वी। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको ही हम चार्ज डेंसिटी रो बोल देते हैं। ओके, फर्स्ट केस लेते हैं यहाँ पे, केस नंबर वन जो है आउटसाइड, ओके, स्फीयर से आउटसाइड को लोकेशन, लेकिन यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपना मेटालिक नॉन मेटालिक स्फीयर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते इसमें, ओके, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है पूरे वॉल्यूम में, रेडिएशन ने कंसिडर किया था कैपिटल आर। ओके, इससे स्मॉल आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी वन ये है, ओके, इसको हमें गाउसियन सरफेस में इंक्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम गॉस लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कोई पॉइंट इंक्लोज हो। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया ये पॉइंट को, और इस यहाँ के जो एरिया एलिमेंट हुआ उसकी डायरेक्शन होगी सरफेस से परपेंडिकुलर, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन होगी और रेडियली आउटवर्ड होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कैसे होगी यहाँ पे, दोनों पैरेलल होगी और सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। केस में आप देख सकते हो मैथमेटिकली निकालना होता है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब ये डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस
और आर्किमिडीज का रिलेशन हम मैथमेटिकल दिखा रहे हैं। ओके तो फर्स्ट हम लिखते थे सेम पैटर्न अप्लाई करें जो फर्स्ट एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं। तो पहले क्या लिखते थे, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद गॉसियन सरफेस निकालना है, तो वो दो तरीके से निकालते थे, एक तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स और दूसरा था गॉस लॉ के ऊपर से। तो फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो फर्स्ट हम लिखते हैं बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स वो क्या था, तो के फ्लक्स फाइ इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट बी ए, ओके इक्वल्स टू ये प्रोडक्ट निकाल दे डॉट प्रोडक्ट, तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा और थीटा कैसा है, तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो थीटा कैसा आएगा जीरो और कॉस जीरो होता है वन। ओके तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। फ्लक्स फाइ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रेशन बी। मैंने ई को बाहर क्यों लिखा, क्योंकि सभी जगह पे देखोगे फील्ड आपकी परपेंडिकुलर होगी और कॉन्स्टेंट होगी, क्योंकि स्फेरिकल हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, तो स्फेरिकल से मतलब सेम आर डिस्टेंस पे सभी जगह पर फील्ड की इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम रहेगी। डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा आपको ई ए और एरिया क्या होगा पूरे स्फीयर का, तो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा आपका ई इक्वल्स टू फोर पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल है, स्पीयर का एरिया हमें पता है फोर पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस का हमें निकालना है, ओके गॉसियन सरफेस का निकालना है। तो इक्वेशन नंबर वन, सिमिलर सेल जैसा ही है, ओके अभी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की बात करें तो वो क्या था, तो पाई इक्वल्स टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके हमें पता ही है वो, तो प्लस पाई इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू क्या था, इनसाइड में चार्ज कितना, गॉसियन सरफेस इनसाइड में, तो हम कंसिडर करें पूरे स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू जितना है, तो यहाँ पे आएगा समेशन क्यू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या मिलेगा, तो ई इंटू फोर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इको सब्जेक्ट बनाओ तो क्यू बाय फोर बाय आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ओके थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इक्वल्स टू ये फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर आएगा। ओके सिमिलर जो हमने फर्स्ट निकाला था सेल के लिए वैसे ही मिल रहा है। ओके नेक्स्ट निकालते सेकंड केस ऑन द सरफेस, केस नंबर टू ऑन सरफेस, तो हमें पता है सरफेस के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि अपना कोई सेल है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हैं पॉजिटिव चार्ज से, ओके और ये अपना रेडियस आर लिखना कैपिटल आर, और पॉइंट भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी यही है, तो मतलब नहीं यहाँ पे आप लिख सकते ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इक्वल्स टू आर, मतलब रेडियस के डिस्टेंस पे हम देखें मतलब सरफेस पे, उस केस में सिर्फ आपको रिप्लेस करना पड़ेगा स्मॉल आर को कैपिटल आर से, तो आपका इक्वेशन बनेगा ई इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर यूनिट वेक्टर आर के आएगा। ओके तो ये हो गया ऑन द सरफेस, क्लियर है। अभी थर्ड केस निकालना है वो कौन सा है, अभी थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस अपना केस नंबर थ्री है वो इनसाइड, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड की बात करें तो ये अपना सॉलिड स्फीयर है। ओके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हैं पूरे वॉल्यूम में, ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और ये आपका रेडियस कैपिटल आर, ओके ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इनसाइड है तो ये अपना ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस पी टू, और इस पॉइंट को हमें गॉसियन सरफेस में लेना पड़ेगा, तो गॉसियन सरफेस के लिए हम इमेज करिए क्लोज सरफेस करते हैं, ये स्फेरिकल ही होगा। ओके और ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर, क्योंकि आर एस भी दे सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो आप देख सकते हो कैपिटल स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड कोई पॉइंट के ऊपर ले रहे हैं। ओके तो यहाँ पे फ्लक्स निकलना है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूरे वॉल्यूम में क्यों जितना चार्ज है पूरे वी वॉल्यूम में, लेकिन यहाँ पे देखो ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम
चेंज हो जाएगा, उसको हम बी डेज कहते हैं। और इसमें जो चार्ज है वो भी चेंज हो जाएगा, पूरे में जो चार्ज है उससे कम ही आएगा और कुछ अलग ही होगा, इसलिए हम उसको क्यू डेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, टोटल में चार्ज क्यू था तो ये वाले जो काउसन सरफेस में इसमें तो कुछ ना कुछ चार्ज कम ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम चार्ज ले रहे हैं क्यू डेज। ओके, तो फर्स्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स निकालते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स वो क्या था, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। ओके, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई बाहर क्यू डी ए कोस थीटा में क्या हो रहा है, तो क्या पता है हमें दोनों पैरेलल है तो टी ए कोस जीरो वन। ओके, कैसे, तो देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, स्मॉल एलिमेंट की बात करें स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रेडियल। ओके, अंदर के चार्ज के वजह से पॉजिटिव चार्जेस है तो एंगल कितना देगा, जीरो, और कोस जीरो होता है वन, तो यहाँ पे हमारा जो फील्ड है वो कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, तो डी ए का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ई ए। ओके, और एरिया क्या होगा, एरिया किसका लेना, तो गॉसियन सरफेस का लेना, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू हम लिख सकते ई फोर फाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ये फ्लक्स मिला हमें। ओके, इक्वेशन नंबर थ्री। अभी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या था हमारा, गॉस लॉ था हमारा फ्लक्स फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसकी बात करें तो चार्ज है क्यू डेज इतना, तो यहाँ पे समेशन क्यू की जगह पे क्यू डेज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आएगा। फिर कंपेयर करते हैं तो क्या ये इक्वेशन नंबर टू, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो इक्वेशन बनेगा ई फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डेज बाई एप्सिलॉन नॉट, ई को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ई इक्वल्स टू क्यू डेज ऑन फोर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अभी क्यू डेज की जगह पे वैल्यू डाल देते हैं, तो क्यू डेज की जगह पे वैल्यू कैसे रखोगे, तो चार्ज डेंसिटी के ऊपर से हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी दो इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो क्यू डेज को सब्जेक्ट बनाए तो क्यू डेज इक्वल्स टू रो वी डेज, और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हमें पता होता है क्या होता है, फोर बाय थ्री फाइव आर क्यूब, लेकिन आर कौन सा, यहाँ पे आर कौन सा आएगा, तो के हम ये वाले स्पीयर की बात कर रहे हैं उसका रेडियस आएगा, तो वो कितना आएगा स्मॉल आर क्यूब। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ई इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे अपना वन अपॉन फोर फाइव आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये तो भी। ओके, और दूसरा यहाँ पे फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। ओके, वी की वैल्यू पुट की, अभी यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, तो ये फोर पाई कैंसिल आउट, आर क्यूब आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ई इक्वल्स टू इक्वेशन बनेगा आपका आर अपॉन वी एप्सिलॉन नॉट, और ये रो भी है मल्टीप्लाई में तो ये आएगा रो। ओके, तो सिंप्लीफाई करें तो ई इक्वल्स टू रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, मतलब में ई इज डायरेक्टली प्रपोजनल आर। ओके, आउटसाइड में ई क्या मिलेगा, तो डायरेक्टली प्रपोजनल आर मिलेगा। ओके, इनसाइड में क्या था, तो इनवर्सली प्रपोजनल आर था, ये डायरेक्टली प्रपोजनल आर है, और ऑन द सरफेस तो मैक्सिमम ही है, तो रिलेशन निकालना होगा। ओके, ग्राफिकल रिलेशन ई और आर के बीच का, तो हमें पता है ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ई को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं और डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। सेंटर से बात करें तो सेंटर पे से सरफेस तक डायरेक्टली प्रपोर्शनल है इनसाइड में, कहां तक, तो के सरफेस तक आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो तब तक वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है ये रिलेशन। ओके, फिर सरफेस पे मैक्सिमम कितना है, तो के ई मैक्स कितना है, तो के क्यू बाई के कैपिटल आर स्क्वायर ये पॉइंट के पास, और आउटसाइड पे वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ओके, वन मार्क्स के क्वेश्चन में ग्राफ भी होते। ओके, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमारे जो एक सॉल्व एग्जाम्पल उसमें एक न्यूमेरिकल है 1.13 उसमें इसकी नीड रहेगी, तो
ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझना है. सिमिलर ये आगे के जो एप्लीकेशन है बेस रहेगी. ओके तो नोट कर, इसके बाद हम डेरिवेशन देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. ओके.